हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक्स पार्टी डाइवोर्स क्या होता है, एक्स पार्टी डाइवोर्स कैसे लिया जाता है और कोर्ट कब एक्स पार्टी डाइवोर्स को डिक्लेयर करती है। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो नया अपलोड करूंगी तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो एक्स पार्टी डाइवोर्स है वो क्या होता है, ये किस तरह का डाइवोर्स होता है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है एक तरफा डाइवोर्स। डाइवोर्स के लिए मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो बनाई हुई हैं। इसका क्या प्रोसीजर होता है अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल के वीडियो में देख सकते हैं, तो आप मेरे चैनल के वीडियो में आप उन वीडियो को चेक कर सकते हैं। डाइवोर्स दो तरह से होता है। पहला तो म्यूचुअली डाइवोर्स, जिस पर कि एक डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी, जिसको कि आपसी सहमति से तलाक लेना कहा जाता है, जिसमें कि पति और पत्नी आपसी सहमति से अपनी ड्यूटी, बच्चों के लिए और एक दूसरे के लिए क्या होंगी वो सब आपस में कोर्ट के बाहर ही डिसाइड कर लेते हैं और म्यूचुअली एक डाइवोर्स पिटीशन कोर्ट में फाइल कर देते हैं। म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए प्रोसीजर ये होता है कि जब भी आप कोर्ट में पिटीशन को फाइल करते हैं उसके नेक्स्ट डे की आपको डेट मिल जाती है, जो कि कहलाता है फर्स्ट मोशन, जिसमें कोर्ट आपको सुनने के बाद आपको एक डेट दे देती है जो कि 6 महीने के बाद की होती है, उसे कहा जाता है सेकेंड मोशन। और सेकेंड मोशन में दोनों पार्टीज़ कोर्ट में अपेयर होती हैं और उनका डाइवोर्स भी कम्प्लीट हो जाता है। बात आती है दूसरे डाइवोर्स की, जिसमें कि पति या पत्नी को डाइवोर्स तो चाहिए, लेकिन एक एक पार्टनर तो डाइवोर्स देना चाहता है और जो दूसरा पार्टनर है वो डाइवोर्स नहीं लेना चाहता। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो पहले से बनाई हुई हैं। आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसके प्रोसीजर को समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में उन वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक्स पार्टी डाइवोर्स के बारे में। कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें कि कोर्ट को ऐसी पावर होती है जिसमें वो एक तरफा डाइवोर्स को ग्रांट कर सकता है। क्योंकि जो एक्स पार्टी डाइवोर्स होता है वो म्यूचुअल डाइवोर्स की कंडीशन में नहीं होता, क्योंकि वहाँ दोनों पार्टी मौजूद होती है। एक्स पार्टी डाइवोर्स दूसरी तरह के डाइवोर्स में होता है, जहाँ पर एक पार्टी डाइवोर्स लेना चाहती है और दूसरी पार्टी डाइवोर्स नहीं देना चाहती है। चलिए अब जानते हैं कि ऐसा कब होता है। मान लीजिए कि पति जो है वो डाइवोर्स लेना चाहता है, उसने कोर्ट में एक पिटीशन को फाइल भी कर दिया है। पिटीशन फाइल होते ही पत्नी के एड्रेस पर कोर्ट में हाजिर होने के लिए एक समन जारी किया जाता है, जिसमें एक डेट होती है और जिस डेट पर पत्नी को कोर्ट में मौजूद होना होता है। मान लीजिए समन पत्नी को मिला, इसके बावजूद भी वो कोर्ट में पेश नहीं होती, या फिर ऐसा हो जाए कि समन कोर्ट से भेजा तो गया पर पत्नी को मिला नहीं, या फिर घर पर उसे कोई रिसीव करने वाला मौजूद नहीं था, तो ऐसी कंडीशन में जो कोर्ट है वो ये नहीं मानती कि समन डिलीवर्ड हुआ है पूरी तरह से, क्योंकि समन कोर्ट से तो भेजा गया पर पार्टी को रिसीव नहीं हुआ। क्योंकि एक्स पार्टी डाइवोर्स होने के लिए सबसे पहली कंडीशन यही होती है कि जो समन है वो दूसरी पार्टी को डिलीवर्ड हुआ है, वो भी पूरी तरह से। अगर उसके बाद पति या पत्नी कोर्ट में नहीं पेश होते हैं तो कोर्ट को ये पूरा अधिकार होता है, कोर्ट को ये पावर दी जाती है वो पति या पत्नी को एक्स पार्टी डाइवोर्स डिक्लेयर कर दे। ऐसा नहीं है कि कोर्ट सामने वाले को मौका नहीं देती। एक ही समन में एक्स पार्टी डाइवोर्स नहीं होता, कोर्ट दूसरा समन भेजती है, तीसरा समन भेजती है, उसके बाद ही वो ये मान लेती है कि सामने वाली पार्टी जानबूझकर इंटेंशनली कोर्ट का वक्त जाया कर रही है और ऐसे में वो एक्स पार्टी डाइवोर्स को ग्रांट कर देती है। तो ये हुई बात एक्स पार्टी डाइवोर्स की। लेकिन जब एक्स पार्टी डाइवोर्स डिक्लेयर हो जाता है तो दूसरी पार्टी को यह अधिकार भी दिया जाता है कि वो इस डाइवोर्स को चैलेंज कर सकते हैं। 30 दिन का वक्त दिया जाता है। जिस दिन एक्स पार्टी डाइवोर्स डिक्लेयर होता है उसके बाद के जो 30 दिन होते हैं उसके अंदर आप उस जो अपोजिट पार्टी है वो उस डाइवोर्स पिटीशन को चैलेंज कर सकती है, जो कि सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 9 रूल 13 के अंतर्गत आता है। इन 30 डेज़ के अंदर कोर्ट में अगर पति या पत्नी जो भी अपोजिट पार्टी है वो कोर्ट में चाहे तो इसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त ये होती है कि आप कोर्ट में क्यों पेश नहीं हुए, एक्स पार्टी डाइवोर्स क्यों हुआ,
आपको संबंध नहीं मिला, आपको डेट का प्रॉब्लम था, आप शहर से कहीं बाहर थे, आपके घर में किसी की डेथ हुई थी, आप ऐसी कंडीशन में नहीं थे, आप कहीं पे हॉस्पिटलाइज थे, ऐसा कौन सा रीज़न था जिसकी वजह से आप कोर्ट में पेश नहीं हो सकते थे, आपको वो रीज़न बताना होगा। उसके बाद कोर्ट आपको सुनेगी और उस प्रोसीजर को आगे बढ़ाएगी। लेकिन अगर आपका जो रीज़न है वो सफिशिएंट नहीं है, कोर्ट को ऐसा लगता है कि आपने जो रीज़न रखा है वो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, वैलिड रीज़न नहीं है कोर्ट में पेश होने के लिए, तो आपकी जो अपील है वो खारिज कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो एक्स पार्टी डाइवोर्स के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि मेरे चैनल पर लॉ से रिलेटेड वीडियोज़ आती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।